लूट गया, सहधारा तो लूट गया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया, ये तो बर्बाद हो गया दोस्तों, बर्बाद हो गया। चले आओ अभी चले आओ। लोकर, छोटा आयो। गर्लफ्रेंड लेके आओ, छोटा आयो, मात्र ₹10। छोटा आयो, आ जाओ। इस वक्त अभी हमने सीधा कैनाल रोड को पार कर लिया है और ये सामने नदी बहती हुई सीधा ये रास्ता दोस्तों शॉर्टकट है। ये रास्ता में सीधा आईटी पार्क निकालेगा। एक रास्ता क्रॉसिंग से आता है पर वो रास्ता हमें लंबा पड़ेगा दोस्तों। कैनाल रोड से इस रास्ते को जाके हम सीधा आईटी पार्क पहुंचेंगे और आईटी पार्क से सीधा हम ऊपर को निकलेंगे सहधारा पे। काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है दोस्तों ये। यहाँ से बस हम सीधा फिर वहाँ से ऊपर को निकलेंगे। हमारा दोस्तों आईटी पार्क से करीब रास्ता है, करीब 8-9 किलोमीटर का सफर है आईटी पार्क से हमारा मेन से धारा पे दोस्तों। वहाँ पे रास्ते में आपको पैसिफिक गोल्फ दिखेगा जो काफी बहुत बड़ा है वो ग्राउंड और अपार्टमेंट बने हुए, वहाँ पे गोल्फ भी खेला जाता है दोस्तों, इसलिए उसका नाम पड़ा है पैसिफिक गोल्फ है। ये अब हम आ चुके हैं दोस्तों आईटी पार्क। और अब यहाँ से हम ऊपर को मुड़ेंगे सीधा। ये दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सहधारा रोड पे और ये बगल में आप देखेंगे ये आपको दिखेगा आईटी पार्क। तो गाइस हमने आईटी पार्क पार कर लिया है और यहाँ से जैसे जैसे हम पास पहुँचते जाएंगे वैसे वैसे भीड़ कम होती जाएगी। आज संडे है दोस्तों, देखते हैं भीड़ हो, क्या पता बंद भी हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, और लोग भी आ सकते हैं अगर खुला हुआ हो। बहुत प्यारी जगह दोस्तों, पर एक चीज़ की अभी दिक्कत आएगी, बरसात का मौसम है दोस्तों तो पानी जो होगा वो बहुत मटीला होगा, जिस वजह से आपको थोड़ा अजीब दिखेगा। तो गाइस जब हम सहधारा जा रहे होंगे तो जब हम ढाल की तरफ उतरेंगे तो दोस्तों वहाँ के पहाड़ आप देखना, वहाँ का व्यू कुछ अलग ही दिखाएगा। ये बस ये दिखाती है कि सहधारा खुला हुआ है इसलिए बस चल रही है दोस्तों। और जो वहाँ का रास्ते में व्यू पड़ेगा दोस्तों वो वाकई में बहुत मस्त होगा। और अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट होगी, ये जिस बात का डर रहता है, और हमारे हर सूट में बारिश आ जाती है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। और दोस्तों कभी कभी तो हमें वो सूट बंद भी करना पड़ता है, नेक्स्ट डे करना पड़ता है, पर कोशिश करते हैं दोस्तों बारिश ना आए। तो
बहुत अच्छा रहेगा। We meant to be in the great outdoors, forever free. गाइस ये गोल चौक आ गया है, यहाँ से फिर हम सीधा जाएंगे और यहाँ से अब रास्ते में हमें वैसे गोल भी पड़ेगा जो आपको वाकई में बहुत देख के मज़ा आएगा। तो दोस्तों एक मोड़ आएगा, फिर वहाँ से हमारा सफ़र नीचे का हो जाएगा। ऐसा होगा दोस्तों जैसे हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं फिर एक पहाड़ पे जा रहे हैं, सेम ऐसे होगा। और ये सामने अभी आपको पैसिफिक गोल्फ हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, पैसिफिक गोल्फ अभी। और ये रहा दोस्तों बोर्ड पैसिफिक गोल्फ का। तो गाइस ये है हमारा, जैसे कि आप मैंने आपको बताया था यहाँ से अब हमारी ढलान स्टार्ट होगी उतरने की। और गाड़ी भी न्यूट्रल, और गाड़ी भी हमारी न्यूट्रल है, पेट्रोल बचाव यंत्र, और पेट्रोल भी हमारा दोस्तों ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। और ये व्यू देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा लगेगा आप मसूरी आ गए हैं। और बारिश भी हल्की हल्की है आ रही है। गर्मियों के टाइम में दोस्तों यहाँ पे आप जो रोड देख रहे हैं इसमें पूरा ट्रैफिक लग जाता है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। पर बरसात के और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो हमें सूट रोकना पड़ जाए। और हम चल रहे हैं और हमसे एक गाड़ी आगे चल रही है बस, और कोई नहीं दिखा दे रहा दूर दूर से, क्योंकि दोस्तों सुबह का वक्त है, करीब करीब 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यही व्यू प्लेस आता है। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. सूर्यकुंडा देवी का मंदिर का दोस्तों वहाँ की आपको वीडियो अगर देखनी है, उसके बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम वहाँ की आपको वीडियो पूरी दिखाएं सूर्यकुंडा देवी की। और गाइस यहाँ से करीब करीब हमारा 2.5 किलोमीटर का रास्ता है सहजारा को। और सहजारा में दोस्तों अगर नहाने का हुआ तो हम आपको नहा के भी दिखाएंगे, और पानी वहाँ का दोस्तों बहुत सही है, अगर किसी को तैरना है तो वो भी तैरना सीख सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कोई डर नहीं है डूबने का, नहीं कुछ ऐसा है। हाँ अगर आप कोने में जाओगे तो जाके थोड़ा सा है, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी डूबते डूबते बच गया था, दोस्तों ने बचा लिया था मेरे को। और यहाँ पे बारिश भी दोस्तों काफ़ी तेज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पे रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं आप स्टार्ट होगा हमारा, सामने वो जो बोर्ड दिख रहा है आपको,
पर्यटक स्थल करके सहधारा, यहाँ से सहधारा स्टार्ट हो जाता है। ओहो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पुल बन गया, मैं हमें भी नहीं पता था, यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा पुल बन चुका है जो पिछले साल काफ़ी नहीं, पिछले साल तो दोस्तों हम आए नहीं थे, और जो कि बन चुका है। और यहाँ से फिर हमारा कोई और रास्ता शायद जाएगा दोस्तों, शायद यहाँ पे पुल टूट गया था, ये बन रहा है अभी, खुला नहीं है, बन रहा है अभी, काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों, अगले साल तक ये तैयार होगा। और बारिश भी दोस्तों देख सकते हैं आप कैसे तेज़ हो रही है। दोस्तों सहधारा में करीब मैं 2 साल बाद आया हूँ, तो यहाँ का तो हालत बहुत ख़राब हो चुका है, पहाड़ गिर रखे हैं और ऐसा कुछ नहीं था पहले जैसे आप देख रहे हो। और जो ये रोड देख रहे हो दोस्तों, जब भीड़ लगती है ना दोस्तों, ये रास्ते, इस रास्ते में पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता है, और आपको उस आगे चल के काफ़ी दुकानें दिखेंगी, और हो सके तो आपको एक बाबा से मिलाऊँगा दिखाऊँगा, मतलब मिलाऊँगा तो नहीं। और यहीं पर दोस्तों पार्किंग लगती है, यहीं पर लोग गाड़ी लगाते हैं। गाइस इस वक्त तो सहधारा की बड़ी बुरी हालत हो रखी है दोस्तों, जैसे हमने आपको रास्ते में दिखाया कि पुल जैसे टूट रखे हैं, पहाड़ टूट रखे हैं, वैसे दोस्तों सहधारा का बड़ा बुरा हाल हो रखा है। आप वो सामने देख रहे हैं वैसे वैसे गैप में नहाने के लिए बंद रखे थे, और वो सब बह गए पानी की वजह से। हमने सोचा था दोस्तों नहाएंगे दिखाएंगे, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बड़ी बुरी हालत हो रखी है दोस्तों, बरसात की वजह से कितना बढ़ चुका है, मैं तो खुद देख कर दोस्तों शौक हूँ। 2 साल बाद आया मैं यहाँ पर ऐसा हाल हो रखा था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था दोस्तों। सहधारा तो लुट गया, बर्बाद हो गया दोस्तों, और हम भी लुट ही गए समझो। हम ऊपर जाएंगे आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ का व्यू, क्या नज़ारा है दोस्तों। मुझे जितना लगता है पानी बहुत तेज़ हो रखा है, आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की यहाँ पे कितना तेज़ है, तो दोस्तों ऊपर बहुत तेज़ हो रखा है पानी, हम दिखाएंगे आपको पूरा, और कोशिश करेंगे अच्छे से दिखाएं। चलो चलते हैं अभी। भाई साहब सब लुट गया, सहधारा तो लुट गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया, ये तो बर्बाद हो गया दोस्तों, बर्बाद हो गया।
तो दोस्तों ये था पूरा सहजारा का व्यू, पूरी वीडियो, ये है एंडिंग। दोस्तों आप मेरे पीछे बहाव देख सकते हैं दोस्तों, कितना तेज है, और मैं यहीं पे खड़ा हूँ दोस्तों, और पानी भी काफ़ी आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नहाने का क्या बना था, क्या हो गया सहजारा, वाकई में दोस्तों मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। मैं तो ये सलाह दूंगा दोस्तों, थोड़ी अजीब सलाह है, बरसात के मौसम में आओ, ऐसा लुत्फ़ उठाओ दोस्तों। वाकई में मुझे इतने टूर में गया हूँ दोस्तों, पर इससे ज़्यादा मज़ा मुझे कहीं नहीं आया है। आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं पानी का बहाव क्या हो रहा है, पानी कितनी तेज चल रहा है दोस्तों, मुझे वाकई मज़ा आया दोस्तों। ये सहजारा नहीं लग रहा दोस्तों, एक नदी लग रही है, सहजारा नदी में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों ये पूरा सहजारा का वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम ऐसी वीडियो लाते रहें और आपको दिखाते रहें।